नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। आशा करता हूं इस प्रश्न से पहले आपने हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो जरूर देखकर समझा होगा। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो बच्चों देखिए, मान लीजिए कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यदि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह ही कर्ण होगी। 7, 24 और 25 सेंटीमीटर, इनमें से सबसे बड़ी भुजा है 25। इसका मतलब 25 आएगा यहां पर। जो विकर्ण है, जो कर्ण है, वह सबसे लंबा होता है समकोण त्रिभुज में, और किसी एक को भी 7 और दूसरी को 24 सेंटीमीटर हम मान लेंगे। अभी हम देखेंगे कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो हम लिखेंगे यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोस्क्वेयर बराबर है बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर के। अब हमने माना कि सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वेयर बराबर होगा बेस, जो हमने लिया है 24 सेंटीमीटर, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, जो कि हमने लिया है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। बच्चों यदि ये दोनों बराबर आए तो हम मान लेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यदि ये बराबर नहीं आया तो हम मान लेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। देखिए 25 का स्क्वायर यानी 25 गुना 25 वह होता है 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 24 का स्क्वायर। और देखिए 24 जो हो 24 गुना 24 होता है 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कि आज दोनों बराबर आए या नहीं आए। देखिए लेफ्ट साइड पर है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट साइड पर इन दोनों को प्लस करिए 576 और 49, 9 और 6 15 हासिल आया 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल आया 1, 5 और 1 6, तो हमारे पास आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट साइड भी है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट साइड भी है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आई है, लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आई है। अतः क्या सिद्ध हुआ, अतः दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। यदि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं आती, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय सत्य नहीं होती, तो हम लिख देते हैं कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है। परंतु इस केस में 7, 24 और 25 सेंटीमीटर ये जो भुजाएं हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि इन तीनों भुजाओं से पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो गई है। इसलिए हमने लिखा दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।